क्षेत्र के मोबाइल छिनतई करने की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर गिरफ्तार किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने मामले को लेकर तिलैया थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में इसका उद्भेदन किया। विदित हो कि तिलैया थाना क्षेत्र के अड्डी बंगला ब्लॉक रोड सुभाष चौक सीएच स्कूल रोड समेत अन्य सुनसान इलाकों से मोटरसाइकिल सवार अपराधियों के द्वारा लोगों से मोबाइल छिनतई करने की घटना को अंजाम देते थे। एसडीपीओ श्री प्रसाद ने बताया कि तिलैया थाना में 1 दिसंबर को एक मोबाइल छिनतई का मामला दर्ज कराया गया था। वहीं 2 दिसंबर को 2 अलग अलग लोगों से मोबाइल छिनतई एवं 3 दिसंबर को एक व्यक्ति ने 2 मोबाइल छिनतई का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कांच के उद्भेदन को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें तिलैया थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक लव कुमार, आनंद कुमार साह, नवीन होरो, शशिकांत कुमार समेत तकनीकी शाखा के आरक्षी किसले कुमार, तेजस्वी ओझा एवं तिलैया थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त कांड में छीने गए मोबाइल के द्वारा चंदवारा थाना क्षेत्र के एसबीआई के सामने रहने वाले वीरेंद्र कुमार पिता विश्वेश्वर राम, दयालु कुमार राणा पिता सीताराम राणा एवं चंदवारा थाना क्षेत्र के देवी मंडप रोड निवासी विकास कुमार पासवान पिता बिट्टू पासवान को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने अलग अलग स्थान से छीने गए 5 कीमती मोबाइल बरामद किया है। मामले में वीरेंद्र कुमार, दयालु कुमार राणा एवं विकास कुमार पासवान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हाल फिलहाल में तिलैया में बाजार वगैरह में छिनतई मोबाइल छिनतई की घटना बढ़ी थी, उस पर हम लोग कार्रवाई करते हुए 3 मोबाइल छिनतई करने वाले को गिरफ्तार किए हैं और 5 मोबाइल उसमें प्राप्त हुए। ये तो तिलैया में और कोरोना के क्षेत्र में इस तरह की घटना पहले अक्सर नहीं हुआ करता था, लेकिन हाल फिलहाल में 10-15 दिन में ये घटना 3-4 घटना हो गया था और उसके बाद पुलिस अपना कठोर कार्रवाई करते हुए इसमें लगाम लगाया। ये बाजार वगैरह में जो मान लीजिए जो सामान्य स्तर पर बाजार भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जो हाथ में मोबाइल लेके चलते हैं उसके बाद अचानक झपटा मार के ये लोग निकल जाते हैं। इसमें एक लगता है एक्सपर्ट है और 2 है सो पहला लगता है इसके साथ मिलकर काम किया है।